जिस दिन ये समझ जाएंगे अपनी बात को बहुजन समाज के लोग, तो देश के अंदर 15% कभी भी राज नहीं कर सकता। राम मंदिर की चर्चा की गई, अभी मैं देखता आ रहा था दोस्तों, जब 26 जनवरी का जब कार्यक्रम होता है, संविधान गणतंत्र दिवस बनता है, तो तिरंगे झंडे बिका करते थे, बिकते थे कि नहीं बिकते थे, तमाम रेल लाइटों पर, तमाम उसमें जाकर देखो, पूरी दिल्ली में बिकते थे। आज देख लेना, मैं अभी देखता आ रहा था, आप भी देख लेना, तमाम कौन से झंडे बिक रहे हैं, कहां दबा दिया गया, देखिए इतने बड़े कार्यक्रम को कहां दबा दिया गया। साथियों, ये साजिश है तो क्या है, साजिश नहीं है क्या है? ये समझना पड़ेगा दोस्तों, ये सारी साजिशें जो रची जा रही है हमारे आपके लिए रची जा रही है दोस्तों, किसी और के लिए नहीं है। कि हम आपको सबको जगना पड़ेगा और बहुजन समाज को ये खोना पड़ेगा, और जिस दिन बहुजन समाज ये खो जाएगा दोस्तों, तो ये 15% लोग कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। माननीय सीपी सिंह जी मंच पर विराजमान, दिल्ली प्रदेश में विधायक राज्यपाल गौतम जी, उन्हीं के बराबर में बैठे हुए राजकुमार गौतम, राजकुमार भाटी जी, और यहां पर सभी सम्मानित मंच, और सामने बैठे सभी बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवी साथी, कुछ संख्या में आप मातृशक्ति बैठी हैं, सभी का आदर सम्मान करते हुए खासतौर से मैं वीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको और आप लोगों को सभी को आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम को इधर रखा है। साथियों, कार्यक्रम है सावित्रीबाई फुले, और जो महिलाओं को 33% आरक्षण की जिन्होंने बात की है साथियों, वो लागू कब होगा ये तो नहीं पता, हाँ मगर उन्होंने अपना, अभी जो बघेल साहब कह रहे थे, उन्होंने अपना सिस्टम को शुरू कर दिया है। साथियों, इस महिला आरक्षण बिल की अगर हम बात करें तो माननीय बहन जी ने कहा भी था कि जो 33% आरक्षण दिया जा रहा, क्या ओबीसी महिलाओं को उनकी संख्या के हिसाब से दिया जाएगा, एससी एसटी महिलाओं की संख्या को हिसाब से दिया जाएगा, उसमें आरक्षण होगा कि नहीं होगा, कि ये 33% आरक्षण को जो जनरल कास्ट की महिलाओं को ही लाभ मिलने वाला है क्या? तो साथियों, खास तौर से हमें महिलाओं को तैयार होना पड़ेगा अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, महिलाओं को तैयार होना पड़ेगा। और सामने बैठ मैं देखता हूं कि महिलाओं का आरक्षण का कार्यक्रम है, पर महिलाओं की कमी दिखाई दे रही है साथियों, तो इसको भी समझना पड़ेगा, हमें महिलाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी साथियों। अब साथियों, जो ओबीसी की जब मंडल कमीशन की बग्गी साहब अभी बात कर रहे थे, क्योंकि मंडल कांशीराम साहब तो हमेशा कहते थे ओबीसी भाई हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई का दर्जा दिया करते थे, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो साथियों माननीय कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी के बहुत प्रयास करने के बाद में ये मंडल कमीशन लागू हुआ था, और बीपी सिंह को उनकी सरकार में समर्थन भी माननीय कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी ने जब ही दिया था कि आप मंडल कमीशन, अगर पहली शर्त यही रखी थी, अगर मंडल कमीशन आप लागू करेंगे तो हम आपको समर्थन देंगे, अन्यथा हम समर्थन नहीं देंगे साथियों। और पूरे देश को माननीय कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी ने पूरे देश को रंगवा दिया था, या तो मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो साथियों, और पूरे देश के अंदर ये नारा लगा करके तमाम अधिवेशन माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में होने का काम हुआ साथियों, और मंडल कमीशन लागू भी हुआ। और दोस्तों, एक बड़ी विडंबना है
जब आरक्षण लागू हो गया, मंडल कमीशन ओबीसी के लोगों को लागू हो गया दोस्तों, तो मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूं। पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर सात सात साथियों, में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूं, तो गोंडा एक कस्बा है, वह मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा था। और साथियों कौन तोड़ रहे थे? बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी के लोग तोड़ने का काम कर रहे थे। और साथियों मार कौन खा रहे थे? पिटाई कौन खा रहे थे? एससी एसटी के लोग मार खा रहे थे। उनकी बात को, आरक्षण की बात को ओबीसी के लोग, माननीय कांशीराम साहब ने उठाया, आदरणीय बहन जी ने उठाया, और इसको मार भी हम ही लोग खा रहे थे। और माननीय कांशीराम, आदरणीय बहन जी ने कहा भी था कि भाई आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है, बड़े भाई हैं, जिस दिन ये समझ जाएंगे अपनी बात को, ये बहुजन समाज के लोग, तो देश के अंदर 15% कभी भी राज नहीं कर सकता, कभी भी राज नहीं। उनको समझना पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, समझेंगे जरूर। तो आप जैसे लोग समझ गए, जब आप समझ गए साथियों, और लोग भी समझने का काम होगा दोस्तों। मगर एक हमारी बहने ने बड़ी अच्छी बात कही, जिनको अभी संविधान दिवी दिया, उन्होंने लास्ट में बहुत अच्छी बात कही, पर लास्ट में उन्होंने जो उदाहरण दिए, शिक्षा का उदाहरण भी कौन कह दिए? उन देवी देवताओं के। अरे हमारे पास इतनी महिला थी, इतनी सशक्त महिला, आज लेकर के हर उसमें लेकर के आईएएस आईपीएस से लेकर के सीएम से लेकर के और तमाम स्तर तक, राष्ट्रपति तक आज महिला हो गई है, प्रधानमंत्री महिला बन गई है, तो एग्जाम्पल उनका हमें देना चाहिए। उनकी क्या है, उनका क्या है, क्या देखा है मैंने उनका? दोस्तों जब संविधान लागू हुआ, सब कुछ, हमारी एक बहन कह रही थी डॉक्टर सुनीता जी, अगर सब कुछ मिला है तो इस संविधान की बदौलत मिला है, और इस संविधान की बदौलत ये आप ही नहीं सहारा रही। अरे जब श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार इस देश की जब प्रधानमंत्री बनी थी, जो लाल किले में जो झंडा फहराने गई थी, तो उन्होंने भी संविधान को सहारा था, बाबा साहब अम्बेडकर को, उन्होंने कहा था अगर मैं इस देश की आज प्रधानमंत्री बनी हूं, आज अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी हूं, तो अपने चाचा नेहरू की वजह से नहीं हूं, गांधी जी की वजह से नहीं हूं, या कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं हूं, अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत बनी हूं, भारत के संविधान की बदौलत बनी हूं। तो दोस्तों जो कुछ मिलेगा, राम मंदिर की चर्चा की गई, अभी मैं देखता आ रहा था दोस्तों, जब 26 जनवरी का जब कार्यक्रम होता है, संविधान ये गणतंत्र दिवस बनता है दोस्तों, तो तिरंगे झंडे बिका करते थे, बिकते थे कि नहीं बिकते थे? तमाम रेल लाइटों पर, तमाम उसमें जाकर देखो, पूरी दिल्ली में बिकते थे। आज देख लेना, मैं अभी देखता आ रहा था, आप भी देख लेना, तमाम कौन से झंडे बिक रहे हैं, कहां दबा दिया गया? देखिए इतने बड़े कार्यक्रम को कहां दबा दिया गया? साथियों ये साजिश है, तो क्या है, साजिश नहीं है क्या ये समझना पड़ेगा दोस्तों, ये अब और कोई नहीं समझेगा, ये हमारे आपके लिए है, ये सारी साजिशें जो रची जा रही है हमारे आपके लिए रची जा रही है दोस्तों, किसी और के लिए नहीं है। खैर बात बहुत सारी है दोस्तों, हमारे वक्ता बहुत सारे बैठे हैं, समय भी काफी हो गया है दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करते हुए कि हम आपको सबको जगना पड़ेगा, और बहुजन समाज को ये खोना पड़ेगा, और जिस दिन बहुजन समाज ये हो जाएगा दोस्तों, तो ये 15% लोग कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।